But if you close your eyes. फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बज। मैं सीमित प्रीतम राठी। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट वीडियो में कि मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में डाउट होते हैं, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, आपके पेपर बिल्कुल आ गए हैं तो ऐसे में मैं बहुत ज्यादा टॉपिक तो उठा नहीं पाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे बार बार, ऐसे मैंने 4 से 5 टॉपिक उठाए जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने हर टॉपिक का एक क्वेश्चन उठाया है, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिया है सैलरी वाला क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन मैंने बैलेंस शीट का लिया है, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपका मैक्सिमम मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन लिया मैंने, और एक क्वेश्चन मैंने आपका एक कॉमन क्वेश्चन था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो क्वेश्चन था एक, और एक मैंने लोन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिया आपके लिए। तो सबके मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए मैंने 10 ईयर जो यूज करी, और 10 ईयर मैंने जो आपकी 10 ईयर आती है मैंने उससे कुछ क्वेश्चन उठाया है, मैंने कुछ क्वेश्चन कोरेस्पॉन्डेंस में उठाया है, कुछ नॉन कॉलेज के और कुछ रेगुलर वाले। ठीक है, तो ऐसे में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले हम सैलरी क्वेश्चन करेंगे, तो आप सब अपने 10 ईयर में 2016 का कोरेस्पॉन्डेंस का पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, भाई क्वेश्चन अब 10 ईयर नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पे भी रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग जनरलाइज्ड पेरोल स्टेटमेंट ऑफ MSABC लिमिटेड टू कैलकुलेट द ग्रोस सैलरी ऑफ ईच इम्प्लॉयज। हर एक ग्रोस सैलरी निकालने में इम्प्लॉयज की, इम्प्लॉयज आर पेड बेसिक सैलरी, उनको बेसिक सैलरी पे करी जा रही है, DNS अलाउंस पे किया जा रहा है, एंड ट्रेवलिंग अलाउंस एंड बोनस ऑल्सो। ठीक है, आपने इसके क्वेश्चन उसमें इनकम टैक्स में भी करे होंगे। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे क्या बोल रहा है कि DP इज पेड एट 15% ऑफ बेसिक सैलरी मीन्स। ठीक है, DP इज पेड 15% ऑफ बेसिक सैलरी। TA मीन्स क्या था हमारा, ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस इज पेड 10% ऑफ बेसिक सैलरी इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 15,000, अदरवाइज अगर 15,000 से एक्स्ट्रा सैलरी है तो कितना मिलेगा हमें, 12% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद बोनस इज पेड 5% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, कितना पे करना है, कंपनीज प्रॉफिट का 5% पे करना है। ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट कितना हमारे पास, 5 लाख रुपीज। ठीक है, आपको सेल बना के एग्जाम हॉल में आपको मिलेंगे, आपको सेल बने हुए पेपर में बने होंगे यहाँ पे। ये क्या होता है एक्सेल में, हमारे इसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है, और ये रो होते हैं, तो नाम डाल रखा है। जैसे मैं इस कॉलम की बात करता हूँ, कॉलम नंबर ए के अंदर फर्स्ट वाला सेल क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज का नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन मार्क्स लिखे हुए हैं ये हमें फिल करने हैं। ठीक है, ये सब फिल करने हैं अभी हमें, और एम्प्लॉयज के नेम क्या है, ABCDEF, ये अलग अलग एम्प्लॉयज के नेम है, इनकी बेसिक सैलरीज दे रखी है और हमें अमाउंट हमें फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, DP। ठीक है, DP मतलब क्या है हमारा, DNS पे। ठीक है, जो आपने टैक्स में DNS अलाउंस पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, DP, तो DP हमारा कितना है, DP इज पेड 15% ऑफ बेसिक सैलरी, कितना पे करना है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी किस सेल में हमारा, B2, फर्स्ट इंप्लॉई कहां पे है, तो हमें क्या लिखेंगे हम, B2। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट देना है, 15% मल्टीप्लाई बाय 15%। अगर मैं इसको हमें समझा दे कैसे लिखना है आपको यहाँ पे, इसको मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे को कहाँ लिखना है, C2 के अंदर आंसर लिखना है मुझे, यहाँ पे क्या है मेरा, ये एक नाम यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे अप में होता है, तो कहाँ लिखना है मुझे, C2 इन C2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कहाँ लिखी है, B2 के अंदर लिखी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, B2 मल्टीप्लाई का साइन ऐसा होगा। ठीक है, 15% ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, अगले जाएंगे, अगला कौन, हमें कौन सा एम्प्लॉय मिला, नेक्स्ट हमारा DEF, एक एम्प्लॉयज का नाम है ये। ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर कहां लिखना मुझे, सेल सी के अंदर, कौन से सेल में, C3। ठीक है, कौन से में लिखना है, सी सेल में थर्ड वाला, तो क्या लिखूंगा मैं, इन C3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में बेसिक सैलरी कहां लिखी है इसकी, B3 में लिखी है। ठीक है, B3 मल्टीप्लाई बाय इनटू में 15%, सेम है, इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। ऐसे किसका निकाल देंगे, C4 का निकाल देंगे, जो फोर्थ एम्प्लॉय उसका नाम क्या है, ये जो भी इसका नाम है,
17,000 सैलरी है इसकी, कौन से इसमें है, ये बी फोर में लिखा है, तो बी फोर मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है इसका, 15% सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये क्लोज, ये हमारा डीपी वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या है, टीए हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए क्या लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस इज पेड 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 15,000, ठीक है। तो जब ये लेस देन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, एक बार आंसर भी देखते हैं जरा, ये लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें इसमें। तो इन टी ए डी टू कौन सा सेल है हमारा, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है डी टू, ठीक है। डी टू सेल के अंदर क्या लिखना है हमें, ब्रैकेट में इफ क्यों लगाना है, क्योंकि दो कंडीशन आ गई, अगर 15,000 से कम सैलरी है तो 10%, 15,000 से ज्यादा है तो 12%, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट में कौन सी बेसिक सैलरी कहां पे चेक करनी है हमें, बी टू के अंदर, किसमें चेक करनी है, बी टू, तो बी टू हमारा कितना है, बी टू विच इज मोर देन 15,000 और लेस देन विच इज इक्वल टू 15,000 है, तो इसे लेस देन लिख दिया हमने, कितना है 15,000 कोमा, अगर इतना है तो कितना पे करना है मुझे, बी टू का बेसिक सैलरी का 10%, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अगर इतना नहीं है, अगर मेरी सैलरी इससे ज्यादा होगी तो कितना परसेंट पे करना है, कोमा बी टू का मल्टीप्लाई में 12%, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद सेम यही काम किसमें करना है मुझे, डी थ्री के अंदर, बस नाम चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग ही पूरा सेम रहेगा, इफ B3 जो हमारा थर्ड एम्प्लॉय वो कौन सा है, B3 में है, उसकी सैलरी कितनी है 13,000 और B3 इज लेस देन 15,000 देन इट्स सैलरी इज इट्स TA ट्रैवलिंग अलाउंस इज B3 का 10%, ठीक है, अदरवाइज B3 का कोमा डाल के अदरवाइज कितना हो जाएगा, B3 का 12%, सेम करना है ऐसे D3 के। अब इसमें समझाता हूँ आपको मैं, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थोड़ी वहां पे। इफ B4 यानी कि जो फोर्थ एम्प्लॉई है वो कहां पे है, B4 के अंदर है और उसकी 15,000 सैलरी से कम है, स्टेटमेंट सेम लिखने को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिख दिया, एक्सेल का काम यही होता है कि अपने आप आंसर जनरेट कर देता है वो, ठीक है। मैं खाली स्टेटमेंट बतानी है उनको कि B4 में अगर 15,000 से लेस है तो B4 का जो बेसिक सैलरी से कितना परसेंट पे करना है, 10%। अगर हमारा B4 यानी कि हमारा बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है, देखो आप देखोगे इसकी सैलरी क्या है, ज्यादा है 17,000 है, तो कितना लगेगा B4 का 12%, फिनिश। ये हमारा सेकंड वाला कॉलम हो गया, TA वाला पार्ट हो गया। अब E पार्ट में क्या कह रहा है, बोनस फाइंड करो, तो इस सेल का नाम क्या है, E2, ठीक है। तो बोनस के लिए कंडीशन क्या लिखी है, बोनस इज पेड एट 5% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, बोनस कितना पे करना है, 5% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपीज है, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज कहां लिखा हुआ, देखो बोनस 5 लाख रुपीज B6 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोनस के लिए एक सिंपल सी कंडीशन लगानी है कि बी कौन से सेल के अंदर, सेल सबसे पहले कौन सा लिखना है मुझे, E2 सेल के अंदर इज इक्वल टू ब्रैकेट में B6 में लिखा हुआ है कंपनी का प्रॉफिट इंटू में कितना परसेंट पे करना है, 5%, फिनिश। बस यही E2 के अंदर हो जाएगा, यही सेम, बिल्कुल नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबका कंपनी का प्रॉफिट क्या है, सेम है सबके लिए। तो E2 में भी यही होगा, E3 में भी यही होगा और E4 में भी यही होगा, सेम आंसर होगा तीनों के अंदर, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है, फाइंड द टोटल ग्रोथ सैलरी की बात करता है, तो ग्रोथ सैलरी हमें कैसे निकालनी है। अब देखो B2 यानी कि मैं बेसिक सैलरी प्लस करूंगा, DNS पे प्लस करूंगा, ट्रैवलिंग अलाउंस पे प्लस करूंगा, बोनस प्लस करूंगा, इन सबको प्लस करूंगा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस TA प्लस बोनस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी। फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना, मुझे प्लस करना मतलब क्या करना है, सम करना है, तो SUM सम इज इक्वल टू कहां से कहां तक टोटल करना है मुझे, B2 से F2 तक, कहां तक प्लस करना है, तो लिखूंगा यहां पे, गोल हो गया, कौन से कॉलम में करना है मुझे, F2, कौन से सेल में करना है, सेल का नाम क्या है, F2 नाम है इसका, ठीक है। तो F2 के अंदर क्या करना है मुझे, सम
ब्रैकेट में बी टू से कहां तक टोटल करना है मुझे, बी टू से सी टू डी टू ई टू एंड सॉरी वो आफ्टर एफ टू में तो आंसर आ जाएगा आपको, तो कहां तक लिख रहा है मुझे ई टू, मीन्स इसके अंदर डॉट का मतलब क्या है यहां पे कि पूरा कवर कर रहा है यहां से यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें निकलेगा मेरा एफ थ्री में निकलेगा, तो सेम एस यू एम सम ब्रैकेट में बी थ्री से ई थ्री तक, ऐसे एफ फोर के अंदर एस सम ब्रैकेट में बी फोर से ई फोर तक, ये हमारा फर्स्ट सैलरी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ स्टूडेंट। जैसे आप लोगों ने भी सैलरी क्वेश्चन किया तो उसमें बस हमें ये सब ध्यान रखना है कि उसमें ब्रैकेट्स वगैरह जहां पे मैंने लगाए वहीं पे ब्रैकेट लगाने हैं, सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है। अभी टाइम वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने क्या करा है अभी एक ही क्वेश्चन आपको सोल्व करा जैसे बड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन है वो ट्राई करना, कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लोन स्टेटमेंट बनाने के लिए आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन तो आपका ये जो है क्वेश्चन 2014 का कोरस्पोंडेंस का पेपर है ये, ठीक है, 2014 का कोरस्पोंडेंस का, निकाल लीजिए सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लोन अमाउंट दे रखा है 5 लाख रुपीज और पीरियड दे रखा है 4 इयर्स 48 मंथ्स दे रखे हैं, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम दे रखा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फाइंड करना है हमें, फाइंड जो करना है इस सेल का नाम क्या है जो फाइंड करना है बी फोर, ठीक है। सेल का नाम क्या है बी फोर, सेल के नाम ही पता होना चाहिए, ये लिखने आनी चाहिए सबसे मेन चीज, ठीक है। दूसरे क्या कह रहा है ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट निकालनी, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट किस में निकालने में बी कौन सा, ये बी फाइव इसे बोलते हैं बी फाइव, ठीक है, ये लिखने आनी चाहिए बस आपको, उसका सारा काम हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस लिखना, जैसे इसका नाम क्या है बी सेवन, ठीक है, इसका नाम क्या है जैसे सी सेवन, इसका नाम क्या है डी सेवन, इसका नाम क्या है एफ सेवन, सबसे पहले तो ये लिखने आनी चाहिए, उसके बाद हम आगे काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है कि क्या क्या फाइंड करना है आपको, उसने बोला है कि सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेल नंबर बी फोर के अंदर में लिखना है, क्या है हमारा जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कहां पे लिखा हुआ है हमने बी थ्री के अंदर इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय, डाटा किस में दे रखा है आपको, मंथ में दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 12, अगर ईयरली होगा तो क्या लिखना है यहाँ पे कुछ नहीं लिखना 1 लिख देना है, अगर वो हाफ ईयरली होगा तो क्या लिखोगे 12 की जगह 2 लिखोगे, अगर क्वार्टरली होगा तो 4, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा। अच्छा जैसे इफेक्टिव रेट निकालना है सेल बी फोर के अंदर निकालना है हमें, ठीक है। तो सेल बी फोर के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट में बी थ्री, जो कॉलम का नाम मैंने बताया था बी थ्री में कितना लिखा हुआ है, बी थ्री में 16%, ठीक है, 16% डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 16% डिवाइडेड बाय 12, ऐसा इस कॉलम से बन जाएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, बी फाइव में हमसे पूछा है क्या ईएमआई निकाले, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट निकालने में बी फाइव के अंदर, तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पीएमटी मतलब पेमेंट, पीएमटी मीन्स पेमेंट, ब्रैकेट में बी फोर से फॉर्मूला क्या होता है, पीएमटी का फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं, तो इंस्टॉलमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है पीएमटी ब्रैकेट में इफेक्टिव रेट, जब आपने इफेक्टिव रेट निकाला यहां पे इफेक्टिव रेट इनटू में टाइम, जो भी जिस भी सेल में आपको टाइम दे रखा है वो टाइम लिखना है वहां पे, इनटू में अगर मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4, अगर यहां पे पर एनम है तो 1, हाफ ईयरली है तो 2, ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद ये पीरियड के लिए हो गया, इनटू में लोन अमाउंट, ये हमारा पीएमटी का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो आ जाइए अपने फॉर्मूले पे, तो पीएमटी ब्रैकेट में बी फोर, लोन कहां पे लिखा हुआ है हमारा बी फोर के अंदर, बी सॉरी इफेक्टिव रेट, हमने इफेक्टिव रेट कहां पे निकाला था सॉरी बी फोर के अंदर इफेक्टिव रेट निकाला, तो क्या लिख दिया हमने बी फोर। उसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड टाइम, ठीक है, टाइम हमारा कहां पे लिखा हुआ है, इसके अंदर टाइम लिखा हुआ पीरियड, ठीक है, बी टू के अंदर 4 इयर्स, ठीक है, इसके बाद इनटू में 12 के लिए क्योंकि मैं मंथली फाइंड कर रहा हूं, इसलिए क्या लिखना है मैंने 12, मैंने फॉर्मूले बताया था मैंने आपको यहां पे, और लास्ट में क्या लिखना है माइनस बी वन, जिसमें लोन लिखा हुआ है, लोन का अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से बोलते हैं इसको, इसलिए नेगेटिव में लिखना है इसको, ठीक है। ये हमारा ईएमआई इंस्टॉलमेंट हो गई। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखा हुआ हमारा स्टार्टिंग में, बिल्कुल ये बी वन हमारा क्या है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस निकालना है यहां पे मेरे को, तो बी सेवन के अंदर, बी सेवन के अंदर बी वन लिख देना बस खत्म।
इंटरेस्ट इन सेल 7, इंटरेस्ट फाइन करना है मेरे को। इंटरेस्ट किस पे निकलता है हमेशा? ओपनिंग बैलेंस पे, जितना भी हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखा है? अभी हमने फाइंड करा था हमने इसे जस्ट पहले वाले में B7 में। तो B7 इंटू में इंटरेस्ट का रेट कहां पे लिखा हुआ भाई? इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ हमारा B4 के अंदर। B4 के अंदर हमारा इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट हमने निकाला था। अच्छा, इसके आगे डॉलर का साइन क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि रेट हमारा हर साल कांस्टेंट रहे, रेट कोई वेरिएबल नहीं है हमारा, तो रेट कांस्टेंट रहे। क्या लिखते हैं? डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर बी डॉलर कौन सा कॉलम है? 4 वाला, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा इसका। लास्ट हमारा क्या बचता है इसमें? इंस्टॉलमेंट जनरेट करनी है। इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी हमारी? बी हमने भी इंस्टॉलमेंट निकाला था EMI, वो इंस्टॉलमेंट कहाँ पे जनरेट करनी है मुझे? D7 के अंदर। बस उस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना, बस एक बार फॉर्मूला लिखना है क्योंकि कुछ चेंज नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? इंस्टॉलमेंट हर साल सेम जाती है, ठीक है। तो इसलिए डॉलर का साइन लगाने से भी सेम जा रही है, डॉलर का साइन बी डॉलर 5, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है? हमारा ओपनिंग बैलेंस है B7 के अंदर, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा? C7 के अंदर इंटरेस्ट होगा माइनस D7 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? आंसर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, फिनिश। तो ये क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था। बड़ी इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है? कैपिटल में लिखना है, PMT वगैरह ब्रैकेट कोमा जो भी है सारे प्रॉपरली फॉलो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 2014 का कोरस्पोंडेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके चॉइस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारा आया हुआ है हमारा उसका क्या बोलते हैं सैलरी का, और दूसरा क्वेश्चन किसका है? रेशियो का है, ठीक है। तो रेशियो के क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रही है। क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट रेशियो निकालनी है एंड क्विक रेशियो निकालनी है इन द एप्रोप्रिएट सेल। बस सेल के अंदर फॉर्मूला लिखना, कुछ नहीं करना हमें। डाटा दे रखा है, लेबोरेटरीज दे रखी है, कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं हमें, आपको दिख रही है सब। अमाउंट्स दे रखे हैं, एसेट्स दे रखी है एंड फिर उसके अमाउंट्स दे रखे हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास जो बुक के अंदर आंसर गलत दे रखे हैं इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत आंसर इस वाले के अंदर, ठीक है। तो जो मैं आंसर बताऊंगा, करंट रेशियो क्या होती है हमारी? जैसे कुछ डाटा देखते रहे एसेट्स के अंदर, गुडविल हमारी फिक्स एसेट होती है, मशीनरी फिक्स एसेट होती है, स्टॉक हमारी क्या है? करंट एसेट्स। से स्टॉक का सेल कौन सा है? डी, इधर देखिए कौन सा है? D4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? D4 प्लस कैश हमारे क्या है? करंट एसेट्स है प्लस D5, ओके, डिवाइडेड बाय, स्लैश का साइन डाल दो, हमें डिवाइड करनी होता तो डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा? B4 हमारा क्या है? डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या है हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर कितने हमारे? सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे B4 के अंदर, तो डिवाइडेड बाय, सॉरी ब्रैकेट लगाना कम मस्ट है, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भाई, ठीक है, कि ब्रैकेट ही बिना आंसर गलत हो जाएगा आपको। फिर दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, B4 प्लस अनक्लेम डिविडेंड, ये भी हमारे क्या है? करंट लायबिलिटी का पार्ट है, जो कि हमारे क्या है? B5 के अंदर लिखा है। तो B4 प्लस B5 ब्रैकेट क्लोज, इससे आपका फॉर्मूला अपने आप जनरेट हो जाएगा। आप चाहो तो आंसर निकाल दिखा सकते हो, लेकिन अभी इसमें बचा हुआ है अभी, ठीक है। दूसरा क्या है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर क्या है हमारा? क्विक रेशियो क्या होती है हमारी? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्विक एसेट्स कौन सी होती है? स्टॉक हमारा क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता, हमें खाली कैश लेना है, ठीक है। तो कैश कौन सा हमारा? D5 के अंदर, D5। इसके अलावा कुछ नहीं लेना, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ओनली। डिवाइडेड बाय किसका है? क्विक रेशियो का है, ठीक है। D5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या लिखना है? सेम करंट लायबिलिटी जो कि हमने पहले लिखी थी, B4 प्लस B5 ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, बस फिनिश। देखिए न्यू वैरायटी क्वेश्चन है, ये 2015 का नॉन कॉलेज का आपका पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6, ये निकाल लीजिए सब लोग, ठीक है। इसमें एक सिंपल कुछ जनरल सा क्वेश्चन आया हुआ है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना बैलेंस शीट है ना सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ते जाए क्या कह रहा है। फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द फॉलोइंग डिटेल्स, ये डाटा दे रखा है, इसमें डिटेल्स निकालने में क्या क्या निकालना है? टोटल सेल्स फाइंड करनी है, एवरेज सेल्स फाइंड करनी है, रेंज ऑफ सेल्स फाइंड करनी है, यहाँ पे फाइंड करने सारे ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, राइट द फॉर्मूला इन E2 टू फाइंड द टोटल सेल्स, ठीक है। राइट द फॉर्मूला इन E3 फाइंड द एवरेज सेल्स, सारा डाटा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
जो डिफिकल्ट पार्ट आपके लास्ट वाले दो पार्ट है, राइट द फॉर्मूला इन E5 टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स इन नॉर्थ रीजन। कंडीशन लगा दी, टोटल सेल्स नहीं पूछी, नॉर्थ रीजन की सेल्स बताएं। ठीक है, अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगाई है, राइट द फॉर्मूला इन E6 टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स मेड बाय अंकुश। यहाँ पे भी कंडीशन लगा, जैसे ही कंडीशन लग जाती है तो हमारा आंसर के स्टेप थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले टोटल सेल्स निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपके इसके बुक के अंदर आंसर गलत है, तो मैंने इसके लिए आंसर आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, जिससे टाइम बचे आपका। तो देखो भाई, सबसे पहले टोटल सेल्स फाइंड करनी है, किस में निकालनी है, E2 के अंदर, इन E2 कैपिटल लिखना है इज इक्वल टू SUM, सम करना है। टोटल सेल्स मतलब टोटल करना है, सम किसका करना है, अमाउंट कहाँ पे लिखा है हमारा, सी वाले कॉलम में लिखा है। ठीक है, और C2 से लेके C6 तक का, तो सम ब्रैकेट में C2 इज टू C6 ब्रैकेट बंद। ठीक है, सिंपल बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड, E2 में क्या पूछा है, एवरेज सेल, सेम यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसी कॉलम से एवरेज सेल निकालनी है अमाउंट वाले से। ठीक है, ये लगेगा, तो क्या लिखना है मुझे, एवरेज कैपिटल में AVERAGE एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट C2 इज टू C6 ब्रैकेट बंद, एवरेज सेल आ जाएगी हमारी। रेंज ऑफ द सेल्स, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन E4 इज इक्वल टू MAX मैक्स, मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में से, अमाउंट वाले कॉलम में से, C2 से C6 में से। ठीक है, मैक्स C2 इज टू C6 ब्रैकेट वन, माइनस करना है इसमें से क्या, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहां से, C2 से C6 में से। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगी हमारी, तो हमारा रेंज निकल जाएगी, सिंपल, C2 से C6 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी अभी मेरी। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया हमारा, E5 में क्या निकालना था हमें, नॉर्थ रीजन की टोटल सेल्स निकालनी थी, तो कंडीशन लग गई यहाँ पे मेरी, तो क्या हो गया, सम इफ E5 के अंदर, सम इफ अगर A2 टू A6, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कहां पे लिखा हुआ, देखो नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट कहां पे लिखा हुआ मेरा, ए वाले कॉलम में, A2 से A6 तक यही सब लिखा हुआ है, तो मैंने कंडीशन लगा दी A2 इज टू A6, क्या लिखा होगा, वर्ड क्या मिलना चाहिए हमें, नॉर्थ वर्ड मिलना चाहिए उसके अंदर, एक कोमे और फिर ये सारे कोमे हमें बड़े ध्यान से लगाने सारे, ब्रैकेट में सॉरी, इसके बाद अमाउंट कौन सा प्लस करना है, क्योंकि अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट किस में लिखा हुआ है हमारा, अगर नॉर्थ वाले A2 वाले अमाउंट मुझे कहाँ मिलेंगे, C2 से C6 तक में, तो C2 इज टू C6 हमारा आंसर अपने आप जनरेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिखना है। सेम, अब थोड़ा सा डाउट होगा इसमें, तो इसमें नेक्स्ट वाले से क्लियर हो जाएगा ये, जो क्या है उसने लास्ट वाला पार्ट क्या पूछा था हमसे, लास्ट वाला पार्ट पूछा था, राइट द फॉर्मूला इन E2 फाइंड आउट द टोटल सेल्स मेड बाय अंकुश। अलग अलग पार्टी सेल्स ने, सेल्समैन के नेम लिखे हुए, देखो सेल्समैन अंकुश, अमित अंकुश, कुशाल अंकुश। ठीक है, तो हमें अंकुश का निकालना है, तो वही कंडीशन लगाएंगे हम, किसके अंदर लिखा हुआ है, B2 से B6 के अंदर, तो लिखना है देखो E6 के अंदर क्या लिखना है, सम इफ टोटल करो अगर B2 से B6 तक के बीच में क्या मिलता है हमें, अंकुश वर्ड मिलता है, यानी कि ब्रैकेट में B2 इज टू B6 कोमा अंकुश कोमा बंद नीचे द्वारा कोमा, अमाउंट कहां से ऐड करना है, अमाउंट वाले कॉलम से, अमाउंट वाले कॉलम कहां पे है, C2 से C6 तक के अमाउंट में, हमारा अमाउंट वाला कॉलम है, ये अमाउंट वाला कॉलम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नॉन कॉलेज में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, जैसे आपने करा ये 4-5 लाइनें लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन के चॉइस में एक और क्वेश्चन आया, वो उससे भी सिंपल है बहुत ज्यादा, इसमें खाली मैक्सिमम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व्स ये सब फाइंड करने हैं हमें। राइट द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला इन द सेल B2 B6 B7 B8 B9 एंड B10 में फॉर्मूला लिखने हैं हमें। अच्छा, सबसे पहले क्या पूछा हमें, हमें सेल्स में दे रखे क्वेश्चन मार्क अपने आप लगा रहा है, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं वैसे, वहां पे दे रखा है हमें। तो हाईएस्ट नंबर मींस मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम क्या लिखना है हमें, MAX, यानी कि इन सेल B2 B2 इज इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट में, कहां से कहां तक मैक्सिमम लेना है मुझे, A1 से लेके E5 तक, A1 से E5 तक, तो क्या लिखेंगे हम, A1 इज टू E5 ब्रैकेट वन। इसका क्या निकालना, सेकंड मुझे एवरेज कैपिटल में एवरेज लिखना है, कौन से में निकालना है, ये अब क्या निकालना मुझे, B7 में फाइंड करना है, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में कहां से कहां तक एवरेज, A1 से E5 तक, सेम बिल्कुल A1 इज टू E5 फिनिश। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये भी कहां से कहां तक निकालना है, सेम वही B8 के अंदर
स्टैंड डेविएशन ब्रैकेट में ए वन इज टू ई फाइव, सिंपल। कर्टिसिस फाइंड करना है, उसमें वही करना है ए वन इज टू ई फाइव, वेरी सिंपल। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा कंडीशन लगी इसमें, काउंट द नंबर ग्रेटर देन 500। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, फॉर्मूला क्या लगेगा, काउंट सी ओ यू एन टी काउंट इफ ब्रैकेट में, कौन से सेल में करना है मुझे ये, ए वन से इज टू ई फाइव, वही कोमा जैसे पहले बताया था मैंने अभी, कोमा अगर ये ग्रेटर देन कितना है 500 से है 500, और कोमा क्लोज, हमारे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बताओ इतना समय कुछ सेल्स में आंसर लिखना है, ये 10 एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 10 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो रेलेवेंट लगती है तो अपने सभी फाइनल स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए, अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उस डाउट को पहले से सॉल्व करूंगा। अपने रिव्यू भी लिखिए साथ में कि आपको कैसी वीडियो लगी कैसी नहीं, और बाकी इसको लाइक, चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।